ताली बजाओ उस पाकिस्तान को। देखियो जी हमारा हरियाणा प्रदेश में जो अपना मोर्चा है इसका सबसे बड़ा मजबूत जो संगठन है आज के दिन वो एक्स सर्विसमैन फौजियों का है। कर्नल रामकरण हुड्डा जो है इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। कर्नल रामकरण देखिए और पूरे हरियाणा से जो है जो रिटायर्ड फौजी वो ने पूरी ताकत दो बार बच्चे आ जाओ भाई सबसे पहले हमेशा लोग जो है फौजियों ने हमारा बहुत बड़ी लॉबी है जी बहुत बड़ी हमारे मोर्चे का ये संकल्प है जमाना की जरूरत है भाई फौजी को सबसे पहले आदर से मान के चलो ये कार्यक्रम ये जो हो रहा है ना ये फौजियों की वजह से हो रहा है और खड़े हैं सुरक्षा आ जाओ। अभी रोहतक में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था फौजियों ने ही करवाया था वो एक्सरसाइज में हो गया सबका कोशिश करके ना अपन सब 22 तारीख ना 22 और यहाँ से ना बेटा एक बार नंबर लिखो मेरा फोन निकाल के नंबर लिखो यहाँ की लिस्ट बना के दे दीजिए आप नंबर बोलो गुरु जी का बोलो 81 99 99 80 83 हो गया जी फिर तो बोलियो 8199998083 इस पे व्हाट्सएप पे अपना नाम हल्का गांव का नाम और आज की डेट वो डाल के स्वामी जी के पास व्हाट्सएप कर दो उनकी बेटा सारा इंग्लिश दे फिर वो है ना स्वामी जी के पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर में सेव हो जाएंगे आपके नंबर हमारा रिकॉर्ड में रहेगा भाई हलवा से ना हमारे 5-7-10 लोग हमारे आज तक हम किसी के थ्रू मिले हैं नेताओं से आज स्वामी जी साक्षात आपके समक्ष है नमस्कार मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी महामंडलेश्वर जसमेर सिंह जी सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा आपका भी स्वागत है आपको सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी कब की प्लानिंग है अब तो प्लानिंग तो पूरी होगी है पूरे हरियाणा प्रदेश का जन सैलाब हमारे साथ है और 22 तारीख को जो आने वाला ही एतवार है 22 मई को हम गोहाना के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मोर्चे को ओपन कर रहे हैं सबको बता रहे हैं कि अब हमारा मोर्चा राजनीतिक स्तर से मजबूत हो गया और लोगों के बीच आ रहा है 22 को तो महाराज जी एक रैली की भी बात है बहुत बड़ी रैली करेंगे तो वो कब की प्लानिंग है वो मोर्चा 22 को ओपन होगा और उसके बाद फिर अगला स्टेप हमारा होगा जो हमारी पार्टी जो आएगी रजिस्ट्रेशन होकर मोर्चे के बाद पार्टी का नाम ओपन होगा वो ऐतिहासिक रैली में होगा आज तक किसी ने इतनी बड़ी रैली नहीं की है ये असंभव संभव में बदला जाएगा उस समय अभी आगे आएगा तो बहुत सी पार्टियां हैं आज बीजेपी है कांग्रेस है आम आदमी पार्टी भी पैर पसार रही है हरियाणा में तो क्या कहना चाहेंगे आपको कितना दमखम लगाना पड़ेगा सबके लिए सारा बहुत सुंदरता से बहुत अच्छाई से हम लोग 22 को कहने वाले हैं बिल्कुल स्टिक कहने वाले हैं साफ कहने वाले हैं सामने कहने वाले हैं और 22 नेम लेकर कहने वाले हैं हम अंदाजे पर नहीं चलते हैं बड़ी बड़ी बातों पर कतई नहीं चलते हैं इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि 22 तारीख को आप जरूर कृपया गोहाना खेड़ी दमकन में पहुंचे जहां उस मंच से हम ये ऐलान करेंगे और बताएंगे आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसा क्या हम लोग करने वाले हैं जिससे हरियाणा का जन सैलाब हमारे साथ हो और इसी 2024 में मोर्चे की सरकार हो ये 22 को हम बताने जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर क्या कहना चाहेंगे महाराज जी एक मोर्चा लेकर के अभी 22 को घोषणा कर रहे हैं
आपको जो मेन तो अभी आपको बताया है महाराज जी ने, हम तो इनके अनुयायी हैं, जैसा हमारे को ये आदेश करेंगे उसके पदों पे चल के हम लोगों को दिखा देंगे आने वाली 22 तारीख को। अब भैया मोर्चा कितना छोटा मोर्चा शुरू होगा, तो कितने लोग यहाँ जाएंगे, किंतु तो वहाँ जा करके करना भैया, तो भी जा करके पत्रकार जाएंगे वहाँ देखना, यहाँ बताने से क्या फायदा, लोगों को देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। अब कितने हजारों में आदमी छोटी सी मीटिंग में आई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जनता कल्याण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार जी सर स्वागत है लकड़ा की। तो सर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, तो प्रदेश की क्या आप लोगों ने प्लानिंग किया, क्या रणनीति तैयार की? तो हमारे गुरुजी जो कहेंगे उसी के अनुसार चलना है। तो 22 तारीख को क्या दमखम दिखाने वाले हैं? दमखम तो बता दिया जी, आप वहाँ आएंगे और आपको पता लगेगा अगर क्या चल रहा है उसमें, आपको अपना पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष हो गया जी सबका।